सो गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम ग्रुप 17 पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लाउबर ने इनको प्रिपेयर किया था, कॉमन सॉल्ट को और सल्फ्यूरिक एसिड कंसेंट्रेटेड, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया था एंड योर एच सी एल इज फॉर्म। वेन दिस एन ए एच एस ओ फोर इज फॉर्म, जब आपका ये कंपाउंड बना, देन अगेन इट रिएक्ट्स विद NaCl, NaCl से इसको रिएक्ट किया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया, ऑलमोस्ट डबल किया गया, अगेन योर HCl इज ऑब्टेन। आपने फिर से इसको, इससे HCl को बनाया। तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड, ये प्रिपरेशन मेथड है आपका, जैसे कि आप HCl को प्रिपेयर करते हैं। HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर उसमें मॉइस्चर होता है तो उसको हम ड्राई कर लेते हैं जब हम उसको सल्फ्यूरिक कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पर पास कराते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड की प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज़ अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं, और पंजेंट मतलब तेज स्मेल इसकी आती है, और आप इसकी स्मेल, अगर आपको पता है कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड की स्मेल गैस की ऐसी आती है, तो आप इसको बड़े आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। इट इज़ ईजिली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड, बड़े आराम से इसको हम कलरलेस लिक्विड में लिक्विफाई कर लेते हैं, जो कि फ्रीज होता है एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड पर, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको 159 केल्विन दिया है, मतलब माइनस में लगभग 100 समथिंग जाएगा। इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयनाइजेज एज फॉलोज, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट ईजिली फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, वाटर के साथ बड़े आराम से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी और बहुत आसानी के साथ ये डिजॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ वेन एवर इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, तो वाटर में अपने भी आयन्स हैं जो कि H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आता है, ऐसे ही HCl भी आपका आयन्स में टूट जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो उसी को कंबाइन करके दिखाया है यहाँ पर। H3O पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, और इसकी Ka की वैल्यू जो है वो 10^7 है। इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके एक्वा सॉल्यूशन को हम HCl कहते हैं, एसिड जो हम अपनी केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल करते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कॉन्टेंट्स, कॉन्स्टेंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इंडिकेट दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, पानी में वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपको मैंने बहुत अच्छा सा तरीका बताया हुआ है कि विच एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड विच एसिड्स आर वीक, यू कैन ईजिली जस्ट सिंपली लुक द फॉर्मूला एंड यू कैन ईजिली टेल कि वेदर दिस एसिड इज वीक और दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग, आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं। When three parts of concentrated HCl and one part of HCl, ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है एक्वा रेगिया के बारे में, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, जब आपको वो पढ़ाई जाती है तब आप ये पॉइंट वहाँ पर भी पढ़ते हैं इन योर क्लास 10th। एक्वा रेगिया, एक्वा रेगिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HNO3 विद, इट इज अ कॉम्बिनेशन विद HNO3 विद HCl, कॉम्बिनेशन है HCl का और HNO3 का, जिसमें आप 3:1 रेशियो में मिलाते हैं, HCl को 3 पार्ट्स लेते हैं और HNO3 का 1 पार्ट लेते हैं। आपका कॉपर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, ये जो एलिमेंट्स हैं दीज कम बिलो हाइड्रोजन इन योर रिएक्टिविटी सीरीज, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, तो ये हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, बट ये एक्वा रेगिया बनने के बाद आप किसी भी नेटिव मेटल को बड़े आराम से डिसॉल्व कर सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ, जो सुनार होता है, जो आपका ऑर्नामेंट मेकर होता है, वो बहुत आसानी से आपका ये बनाता है, इसको सॉल्यूशन को बनाता है, और आपके जो गोल्ड के ऑर्नामेंट या सिल्वर के ऑर्नामेंट जो पुराने हो जाते हैं उनको चमकाने के लिए, दोबारा से नया जैसा देने के लिए इसमें डिप कर देता है। ठीक है, डिप करने से क्या होता है कि आपका जो भी ऑर्नामेंट है उसका कुछ लेयर जो उतर कर कुछ बहुत स्मॉल मिलीग्राम्स जो हैं वो उनके पास, गोल्ड स्मिथ के पास चले जाते हैं, और उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वॉशिंग नहीं करानी चाहिए, अपने जो ऑर्नामेंट्स हैं उनका केयर दूसरे तरीके से करें, लेकिन बार बार अगर आप गोल्ड स्मिथ से इनको साफ़ कराएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोजन क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स, बिल्कुल आराम से किसी भी वीकर एसिड के सॉल्ट को HCl जो है वो ब्रेक कर देता है। आपको नीचे 2-3 रिएक्शंस दिखाई हैं, दीज ऑल आर वीकर एसिड्स, आप आसानी से इनको ब्रेक कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन,
क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में हम इसका यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है, ग्लूकोज जो कॉर्न से या स्टार्च वाला जो ग्लूकोज है उसके मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, हमारी बोन्स से ग्लू निकालने के लिए, एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक। एक्चुअली जो आपका शुगर होता है, जो शुगर आपका शुगर केन से बनता है, उसका कलर इतना वाइट नहीं होता जितना कि आप मार्केट से लेकर आते हैं, उसमें भी कुछ एसिड्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि उसके कलर को, जो ब्लैक कलर होता है उसको वाइट किया जाता है, सल्फर का भी यूज़ किया जाता है वहाँ पे, तो दिस इज़ फॉर दैट। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन एंड एज एन लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी में तो आप इसका बहुत यूज़ करते हैं। आपका जो फ्यूमिंग टेस्ट है जो कि अमोनिया की प्रेजेंस बताता है, जिसमें NH4Cl बनता है, यू यूज इट देयर ऑल्सो। इसके अलावा आप जब सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं वहाँ पर भी आप HCl का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स, व्हाट आर द ऑक्सो एसिड्स एंड व्हाट आर द बेसिकली स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, बेसिकली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में दो नंबर के स्ट्रक्चर्स इस चैप्टर से आते हैं और दो नंबर बड़े आराम से आ जाते हैं। जो आपका ग्रुप 15 था उसके जो ऑक्सो एसिड्स है वो तो डिलीट कर दिए हैं इस बार, तो जो बाकी के ग्रुप्स आपके बचे हैं 16, 17 and 18 उसके ऑक्सो एसिड्स आपके सिलेबस में, तो दैट हैज़ अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, सो बी केयरफुल, मेक प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग दीज स्ट्रक्चर्स, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, बड़े आराम से आ जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पर ये जो टेबुलर फॉर्म में शो किया है, इससे बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ जैसे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ प्लस थ्री है, यहाँ प्लस फाइव है, यहाँ प्लस सेवन है, दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर हेलोजन। जैसे यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन भी यूज हुआ है, यहाँ आयोडीन आया है, यहाँ पर आयोडीन आया है, तो आप इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी कि कितने बॉन्ड्स हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर हेलोजन मतलब दो अलग अलग हेलोजन, जैसे कि आपके पास हेलोजन्स हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टिंटाइन है, दीज आर द फाइव मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप 17, तो जब वो आपस में मिलकर भी कंपाउंड बना लें, दैट इज नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड। और यहाँ पर वो शो करेंगे आपकी जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर शो होगी आपकी, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखें जब भी आप ये वाला पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के अलग अलग प्रिपरेशंस देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चार तरह के कंपाउंड शो करता है, एक्स एक्स डैश, एक्स डैश का मतलब है आपका जो दोनों की इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, मतलब इनका जो साइज में बेसिकली डिफरेंस है, एक आपका छोटा है और एक जो है आपका वो बड़ा है, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, आपका बेसिकली जो एक्स डैश है वो स्मॉल होगा साइज में, ठीक है, और जो एक्स होगा वो बड़ा होगा, इनके रेडियस में डिफरेंस है और कुछ नहीं है। सो ये प्लस थ्री यहां पर आ गया, यहाँ प्लस फाइव आएगा और यहाँ पर प्लस सेवन। तो दीज आर द मैथड्स, ये मैथड्स अलग अलग दिए हुए हैं जो कि प्रिपरेशन के मैथड्स हैं, अलग अलग इंट्राहेलोजन कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर क्लोरीन एंड फ्लोरीन है, यहाँ पर आयोडीन एंड क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन एंड फ्लोरीन है, यहाँ भी ब्रोमीन एंड फ्लोरीन है, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज रिएक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर शेप्स आई हैं, ये शेप्स बनाने के लिए पेपर में हर बार आता है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस टेबल, ये टेबल आपको लर्न करनी है। जब भी आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लर्न करते हैं, यू मस्ट रिमेंबर द पोजीशन ऑफ द लोन पेयर्स एंड द बॉन्ड पेयर्स, उनके पोजीशंस ढंग से देखिए, ढंग से याद करिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होंगे।
अब जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बोला है, तो बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि आप पहले कंपाउंड देखेंगे, कंपाउंड में अगर आपका जो वो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो हमें बेसिकली देखना है और उसी के बेसिस पर हम मैग्नेटिक बिहेवियर को बताते हैं। तो उसी के बेसिस पर हम बताएंगे कि वेदर द कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर और इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, शेप है एक्चुअली BrBrF3 की। आप देख सकते हैं Br के दो लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट हैं और इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी टी शेप थी वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी ये दब गया है अंदर की तरफ। फ्लोरीन अपने आप में खुद एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पर लोन पेयर का रिपल्शन है। अब यहाँ पर सब तरह के रिपल्शन आ गए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड दैट इज वाई इट्स शेप इज लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार आते हैं, तो यू मस्ट गो थ्रू सच क्वेश्चंस। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द यूजेस। दीज कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। इंट्राहैलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स। फ्लोरोनेटिंग एजेंट मतलब जहां पर आपको फ्लोरीन का यूज करना है वहां पर आप फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स यहां पर आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is about your intrahalogen compounds. This question is again important. Why is ICl more reactive than I2? Due to polarity in the bond. सीधी सी बात है, यहाँ पर bond polar है जबकि यहाँ पर bond polar नहीं है। तो this is all about for today class. Thank you and have a good day.